और चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़े पीटीआई के कार्यकर्ता। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर फायरिंग की और पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का वीडियो सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली हुई, पुलिस के मना करने के बाद भी डटे रहे लोग। अल्टीमेटम के बाद भी वहां पर रैली जारी रही। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, पुलिस की फायरिंग में मारे गए पीटीआई के कार्यकर्ता। देखिए, अब तक जो जानकारी आ रही थी कि लोग सिर्फ घायल हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने यह कहा है कि पीटीआई के कई कार्यकर्ता जिनकी मौत हो चुकी है, इसकी जांच होनी चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रैली के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने जब समय खत्म होने पर अल्टीमेटम दिया कि रैली को खत्म किया जाए। लोग वहां पर डटे रहे और उसके बाद इमरान खान के समर्थकों पर किस तरीके से पुलिस वहां की बरसी, वो आप देख सकते हैं। तनावपूर्ण माहौल बना, फायरिंग हुई और पुलिस के साथ ही झड़प की जो तस्वीर सामने आई है वो हमने आपके सामने रखी है। वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या माहौल बना। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई। पीटीआई की रैली थी और उसी दौरान ये गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इमरान को जेल से बाहर निकाले, इसी के नारे के साथ, इसी की हुकूमत के साथ वहां पर रैली निकाली गई थी और रैली के लिए समय की मांग की गई थी, जिसके लिए समय भी दिया गया। लेकिन जब रैली खत्म करने का समय आया तो लोग वहां पर डटे रहे। उसके बाद पुलिस के सामने इमरान के समर्थक आ गए। वहां पर किस तरीके से झड़पें हुई, फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, वो सब कुछ आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंजापुर का बड़ा बयान सामने आ चुका है। किसी का बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, पहले फौज वाले अपने अफसर ठीक करें। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। और जिन जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद रबते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। एक और बड़ी खबर आपको दें, इमरान खान के करीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंजापुर ने आगे धमकी दी कि अगर इमरान खान को एक से दो हफ्ते में रिहा नहीं किया गया तो वो उन्हें रिहा करा देंगे। यानी सीधी धमकी ये है, सुनते हैं। सानियो सुन लो, एक से दो हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो, तैयार हो, हक के लिए तैयार हो। मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, पीछे नहीं हटना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा, और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। तो पीटीआई के सीनियर लीडर अली अमीन ने एक और बयान दिया, पाकिस्तानी सरकार को सबसे बड़ी धमकी उन्होंने दी, बांग्लादेश से भी बुरा हाल पाकिस्तान का कर देंगे। इस्लामाबाद की रैली में अली अमीन का बयान ये सामने आया है, सुनिए आप। पंगा मत लेना, बेंडे चोरो पंगा मत लेना, खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो। और पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर पीटीआई नेता अजहर सिद्दीकी का बयान सामने आया है। इस्लामाबाद प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। एबीपी न्यूज से बोले पीटीआई नेता अजहर सिद्दीकी, रैली में आए 200 से ज्यादा कार्यकर्ता गायब है, बहुत बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया।